जैसे कि आप जानते हैं, मैं फ्लिन एनर्जी का बहुत वीडियो बनाता हूँ। आज फ्लिन एनर्जी का और एक इन्वर्टर का अंदर से क्या क्वालिटी का सामान यूज़ किया जाता है उसका डिटेल्स दिखाने वाला हूँ। आज जो आपको मॉडल दिखाने वाला है वो ऑलरेडी 4-5 साल पहले डिसकंटिन्यू हो चुका है और वो उसमें कुछ छोटा मोटा खराबी आया था, तो मुझे उसको खोल के देखने का और छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं उसको रिपेयर कर पाता, तो उसका अवसर मिला था। तो इसी के फुर्सत में आपके लिए मैं वीडियो भी बनाया हूँ कि इन्वर्टर का इंटेल कंपोनेंट्स क्या क्वालिटी का यूज़ किया गया है, मतलब उसका अंदर जो मॉसफेट्स या फिर जो भी आप इंटेल कंपोनेंट सर्किट वगैरह यूज़ किया गया उसका क्वालिटी क्या है, ये आपको दिखाने के लिए मैं एक वीडियो शूट किया हूँ जो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको फ्लिन एनर्जी का कुछ रिपब्लिक डे के ऑफर के बारे में आपको बोलना चाहूँगा जो कि वीडियो का एंड में रहेगा। हाय, मैं हूँ कृष्णेंदु, वेलकम टू सुनीता पंचोलर। ये बहुत ही डस्टी होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा डस्ट यहाँ पे जमा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको ओपन करूँगा तो बहुत ही डस्ट आने वाला है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको बाहर ओपनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना सारा डस्ट है, ह्यूज डस्ट, ह्यूज ह्यूज। तो इसको खोल देते हैं अभी, केबल खोल के हाथ का हालत क्या हो गया देखिए, कितना डस्ट है आप खुद ही समझ लीजिए, ह्यूज डस्ट। हम इसको करेंगे क्लीन। सो गाइज, ये है फ्लिन एनर्जी का बहुत पहला वाला मॉडल, इसका अंदर क्या है हम देखेंगे। पहला मॉडल मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 का मॉडल है, तो इसको मैं ऑलरेडी पहले खोल चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कंपोनेंट्स है, सारे कंपोनेंट्स का क्वालिटी आप देख सकते हैं। फ्लिन का जो पुराना वाला मॉडल है वहाँ पे भी इन्होंने कभी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी है, तो बहुत डस्ट था। अभी हम क्लीनिंग किया है ये ब्लोअर की मदद से, तो ब्लोअर से क्लीनिंग करने के बाद जो आया है वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो क्वालिटी है कंपोनेंट्स का और इसका जो वायरिंग है, दोनों सब कुछ इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो ये जो मॉडल है फ्लिन के तरफ से बहुत पहला वाला मॉडल है, ये सबसे पहले फ्लिन का आता था 2016 के टाइम में। तो ये इन्वर्टर अभी डस्ट के वजह से कुछ प्रॉब्लम वगैरह कर रहा है, तो अभी हम इसको क्लीनिंग करने के बाद इसको टेस्ट करेंगे। तो कभी कभी ये ऑपरेशनल हो रहा था, कभी कभी ऑपरेशनल नहीं हो रहा था, तो डस्ट तो हर किसी का इशू होता है, ये मैं फ्लिपकार्ट पर दोष नहीं डालना चाहता हूँ क्योंकि डस्ट की वजह से हर एक कंपोनेंट में प्रॉब्लम आता है। जो लोग कंप्यूटर साइंस में काम करते हैं या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर लेके काम करते हैं उनको भी पता है कि कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम्स आता है, तो ये भी एक डिजिटल डिवाइस लगभग हो गया है। तो इन्वर्टर जो है ये बहुत ही पुराना मॉडल है, फिर भी इसका जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। अभी तक कुछ विजुअली कुछ डैमेज हमें नहीं मिला, यहाँ पे जो हर एक कॉम्पोनेंट्स है आप भी देख पा रहे हो और मैं अपने आंखों से भी देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे इंटरनल डैमेज कोई भी नहीं है। तो इसको हम कनेक्ट करके देखेंगे कि क्या इसका हालत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले का मॉडल में यहाँ पे सोलर चार्ज कंट्रोलर का जो कनेक्शन या फिर सोलर कनेक्शन यहाँ पे था और बैटरी कनेक्शन यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए यहाँ का पावर का बटन है, पहले का सब मॉडल में नीचे ही पावर का बटन आता था, और इसको छोड़कर यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर का जो कनेक्शन यहाँ पे है, इसको खोलने से आपका बटन काम करना छोड़ देगा। यहाँ पे माउंट करने का जो मैटर है, यहाँ पे एक स्क्रू लगता है माउंट करने के लिए इसको दीवार में, और इसका जो टोटल हीट सिंक है, ये दोनों कूलिंग इसमें यूज़ होता था, पहले फ़ैन का भी कूलिंग यूज़ होता था और ऊपर से एक हीट सिंक भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हीट सिंक है, ये ऊपर का जो हेड है और टॉप में पूरा हीट सिंक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हीट सिंक का नीचे ही आपको फेराइट कोर मिल जाता है, और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर यहाँ पे है। देखिए एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर यहाँ पे एमपीपीटी का जो कनेक्शन है यहाँ से होके यहाँ पे आता है और यहाँ पे ये सर्किट में कनेक्ट होता है,
और यहाँ पे बैटरी और कुछ कम्युनिकेशन होता है। इसका जो एफिशिएंसी है, हमारा एफिशिएंसी जो फ्लिंग का इन्वर्टर का एफिशिएंसी करंटली है 93%, लेकिन ये जो मॉडल है ये 80% एफिशिएंसी में आता है। तो उस टाइम में फ्लिंग उतना एफिशिएंट नहीं था, तो टेक्नोलॉजी भी ड्रॉबैक था उस टाइम। तो अभी बहुत टेक्नोलॉजी आगे चला गया है, तो फिलहाल इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करेंगे, सिंपली इसको कनेक्ट कर देंगे जैसे ये कनेक्ट था। तो इसको कनेक्ट करके चेक करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए ये अभी हो गया कनेक्ट, इसको लगा देते हैं। तो अभी हो गया ये इन्वर्टर रेडी। तो फ्लिन एनर्जी का जो ऑफर है इसके बारे में बोलना चाहूंगा कि फ्लिन एनर्जी फ्लैट 5% डिस्काउंट दे रहा है और स्टॉक खत्म होने तक ये ऑफर जारी है, और बहुत जल्द आपको ऑर्डर करना है क्योंकि स्टॉक अच्छा खासा जल्दी निकल रहा है। ठीक है, तो आपको ऑर्डर कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और डिस्प्ले में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको 5% डिस्काउंट के साथ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत ही फ्लैट डिस्काउंट है।